उसके बाद तुम्हें जाना है वर्टेक्स कनेक्ट करने है पहले एक शिफ्ट के साथ, दूसरा शिफ्ट राइट क्लिक कनेक्ट कंपोनेंट ऐसे, ये दोनों कर दो कमेंट। और रिपीट कमांड जी होती है, तो जी प्रेस करोगे ना, जो जैसे मैंने लास्ट कमांड कनेक्ट कंपोनेंट करी है तो वो रिपीट हो जाएगी, जी दबाना कनेक्ट होता जाएगा, जी रिपीट कमांड जी। और सिर्फ एक वर्टेक्स पकड़ करोगे तो नहीं होगा, जिसके साथ जो वर्टेक्स करनी है वो कनेक्ट होगी। अब तीन कर दोगे ना तो वो ऐसे कनेक्ट कर देगा, तो हमेशा याद रखना जिसके सामने जो सी वर्टेक्स कनेक्ट करनी है वही दो सेलेक्ट करना, एक्स्ट्रा वर्टेक्स मत कर लेना कभी सेलेक्ट। वापस रिपीट कमांड जी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट, जब क्रिएट पॉलीगन टूल यूज कर रहा था यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट। अब जैसे मैं इस पे एज पे गया तो ये रेड हो गई, लेफ्ट क्लिक प्रेस रखना जब तक ये येल्लो ना हो जाए, जैसे येल्लो हो जाए छोड़ देना, फिर नीचे आके वापिस एज पे आके क्लिक करना और राइट क्लिक बाहर क्लिक कर देना, बाहर आके राइट क्लिक, तो एज बन जाएगी वहां पे, कनेक्ट हो जाएगी वो दोनों वर्टेक्स। ऐसे इन जगहों पर करना है, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, ड्रैग लेफ्ट क्लिक करके इस पे ड्रैग और फिर बाहर जाके राइट क्लिक, फिर डब्ल्यू दबा देना मल्टी कट से बाहर आने के लिए। किसी भी टूल से बाहर आना होता है तो डब्ल्यू दबा सकते हो, ठीक है। सो मैं दोनों वर्टेक्स पकड़ के स्केल कर देता हूँ, आर दबा दें स्केल, ये दोनों पकड़े स्केल। स्केल करने से क्या होता है, सीधे हो जाते हैं, और आर प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन आते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्नैपिंग स्केल ऑफ हो। ये ऑन था मेरा तो ऑफ कर दिया ऐसे मैंने, अब इसके सामने वर्टेक्स ले आओ, और सब में इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम्हारा मैच फ्लो कैसे जा रहा है। जैसे कि ये ऐसे कर्व में जा रहा है तो मैं इन वर्टेक्सों को ऐसे ही रखूंगा, तुम्हारा वर्क फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट करता है, तुम्हारा मॉडल कैसा दिखेगा और मैच मैच कैसे कन्वर्ट होगा, उसका बाद में यूवी कटिंग तो कैसे कटनी है, पूरी प्लानिंग तुम्हारे ब्लॉक आउट से होती है हर चीज की, हाई रिज बना रहे हो लो पॉली। वापस ड्रैग यहाँ पे एक वर्टेक्स और ऐड, राइट क्लिक अब यहाँ पे मेरे को एज चाहिए, ये एज पकड़ी, अब दोनों में ही वर्टेक्स नहीं है तो मैं एज पकड़ के कंट्रोल राइट क्लिक एडिट रिंग रिंग एंड स्प्लिट यहाँ पे आ गई, ये थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। तो मैं उसका कर्व मेंटेन रखना है, ये दोनों पकड़ो स्केल आगे, ये दोनों और नीचे, उसके बाद यहाँ पे एक आ जाएगी ये ऊपर, ये सारी स्केल हो गई, उसके बाद ये सारी एजेस पकड़ लो ऊपर की और स्केल कर दो एक बार ताकि ये सीधे हो जाए, जैसे कि हल्के बट देख रहे हो टेढ़े हैं अभी, तो स्केल करूंगा तो सीधी हो जाएंगी वर्टेक्स यहाँ पे ऐसे पीछे की पकड़ लो, इस डायरेक्शन में स्केल कर दो। अब ये वाला आ जाएगा आगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मल्टी कट ले लेता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, और ये एज पे गया, मैं एज पे गया, जिस भी एज पे जाऊंगा ना ये वो वाली रेड हो जाएगी, इस पे काम वर्क करना है मेरे को, तो जैसे इस पे गया तो ये रेड हो गई, अब बीच में जाऊंगा तो ऐसे ही रहेगा कहीं से भी, पर यहाँ पे जाऊंगा तो ये एज रेड हो जाएगी तो उसी एज पे वर्क करेगा, तो मैंने लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करा, ये अभी ब्लू है डॉट, अगर मैं यहाँ डॉट छोड़ दूंगा ना और राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वर्टेक्स बना देता है एक, और
पर मेरे को क्या चाहिए कि इससे स्नैप होके नई एक एज बनानी है, तो मैं राइट क्लिक मल्टी कट ड्रैग करूंगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे जहां जहां चाहिए मेरे को मैं ट्रेस कर लूंगा उसे, और फिर यहाँ पे खत्म कर दो राइट क्लिक पकड़ के थोड़ा सा ऊपर, अब मेरे को यहां से भी एक ले जानी है, तो यहाँ उसके बाद तो सीधी जा रही है, तो सीधा लास्ट में कर दो क्लिक राइट क्लिक, फिर ये सारी वर्टेक्स और ये पकड़ के स्केल सीधी, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे एज कर लिया उसे, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, रिंग एंड स्प्लिट, ये कंट्रोल राइट क्लिक रिंग एंड स्प्लिट, कोई भी आता है ना दीपा तो तुम बोल देना अगर मैं ऐड नहीं कर रहा तो, ठीक है ना? ठीक है। क्या इसके ऊपर ट्रायंगल नहीं बनेगा किसी ऐसी अभी देख लो, मैं बता रहा हूँ पूरा, अभी वो पूरा नहीं बना हुआ, सपोर्टिंग एज आएंगी वो सॉल्व हो जाएगा सब, अभी हम ब्लॉक आउट कर रहे हैं, पहले ब्लॉक आउट पे फोकस करो। और मैंने बताया था ना कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फर्क होता है, जैसे ही नाइफ है तो ये रिग नहीं होगा ना, ऐसे मुड़ेगा नहीं ना, ये तो मेटल है ना, तो इसमें यहाँ पे ट्रायंगल रख भी सकते हैं हम, अब जैसे यहाँ पे ये वाली शेप है तो ये एक्चुअल में ना मैंने सीधी एज डाली, अब ये यहाँ से इसमें कनेक्ट हो जाएगी और ये वाली एज हट जाएगी, शिफ्ट राइट क्लिक ब्लीट एज, ब्लीट एज, फिर ये टैब से बताया था मैंने सेलेक्ट करने का, जैसे मैं फेस पे गया, फेस पे जाने के बाद सिर्फ टैब दबाऊंगा ये ब्रश की तरह काम करेगा, तो ये मैंने सारे पकड़ लिए, और एक्सट्रूड ऐसे भी निकाल सकता हूँ या फिर सीधा पकड़ो इन्हें एजेस को सारे और ये एक्सट्रूड कर दो, शिफ्ट के साथ पीछे ड्रैग करोगे तो एक्सट्रूड काम करता है, देख रहे हो बार बार एक्सट्रूड लिखा रहा है जब तक मैं शिफ्ट दबाऊंगा, तो यही सेम ऑप्शन हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डबल क्लिक करा शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड पे गए, ये आ गया एक्सट्रूड, सर वो कह रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नेट में दिक्कत होगी उसके कुछ, मैंने दो तीन बार एक्सेप्ट कर दिया यहाँ से, बोलो उससे फिर से कर ले एक बार भेजे, आदित्य कौन था, आदित्य था कौन था, रमन 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 की तो आई नहीं है रिक्वेस्ट एक्चुअली, उसके बाद ये एजेस पकड़ लो यहाँ से यहाँ, और ध्यान रखना जैसे कि मेरी ये शेप यहाँ से अंदर जा रही है, मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पे कि लाइट यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, और मैं अगर एक्चुअल में भी रेफरेंस देखूं नेट पे, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, जैसे ये भी है कुछ, जितने ज्यादा रेफरेंस देखोगे उतना पता पड़ेगा,
ये हो गए, ये हो गए। तो एक्चुअल में यहाँ से शेप कट रही है और फिर यहाँ पे यहाँ से शेप कट रही है ये, देख रहे हो यहाँ से नीचे से। पर ये तो बहुत घटिया क्वालिटी है खैर। तो तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा बनाना है, यहाँ से यहाँ तक एजिस पकड़ लो, शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एज, ये वाला पार्ट आ गया तुम्हारा। उसके बाद ये वर्टेक्स यहाँ पे कनेक्ट होनी है, तो मैंने एक टूल बताया था शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स में आके टारगेट वेल्ड आता है, ऊपर जाके नीचे आओगे वर्टेक्स के ऑप्शन में, टारगेट वेल्ड लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, इस पे कनेक्ट हो जाएगी एज। वो शेप एक्चुअल में ऐसे रहेगी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसमें ये फर्क नहीं दिख रहा कुछ। तो अभी अभी ये ना सारी एजेस ना सॉफ्ट है एक्चुअल में, इसलिए एज मोड में जाएंगे हम। उसके बाद ये सारी एजेस जो भी हार्ड है वो पकड़ ली मैंने, और ये सारी एजेस पकड़ ली शिफ्ट के साथ, इस पर डबल क्लिक करो, सारी पकड़ लेगा ये। शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्टन हार्डन, और इसमें हार्डन हार्डन एज आता है, हार्डन एज कर देना, वो अलग ही दिखेगी वो एजेस, ऐसे ही ये वाली एजेस कर देना हार्ड एज। ये एक बेसिक लुक एंड फील चेक करने के लिए होती है कि कैसा दिख रहा है मैश। टॉप में उसके बाद मैं पाइवट इसका डी प्रेस करता हूँ, पाइवट एक्टिवेट हो जाएगा, अब मेरा पाइवट कहीं भी जा सकता है। उसके बाद वी प्रेस करके इस वर्टेक्स पे स्नैप करा देता हूँ, वापस डी प्रेस बाहर, फिर एक्स से ग्रिड पे स्नैप, उसके बाद ये सारे फेस पकड़ना, थोड़ा सा बाहर कर दो, उसके बाद यहाँ से टॉप में जाके ये थोड़ा सा अंदर कर देना, प्रोस्पेक्टिव, उसके बाद हिस्ट्री डिलीट कर देना ना बीच में, अब जैसे इतनी हिस्ट्री बन गई है तो एक बार एडिट डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री डिलीट और सेव कर लेना, बीच में यहाँ पर डाल देता हूँ उसमें एक मटेरियल में ब्लिन और मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, उसके बाद ये बंद कर देना काम। और ये गामा इसलिए बंद कर रहा है, जैसे कि मैं ऑन रखूंगा ना गामा तो ये वाइट दिख रहा है, अभी ना जब ये गामा ऑफ करके मैं चेक करूंगा थ्री दबा के, तो इसमें कहीं पिंच होगा या अजीब सी शेप बन रही होगी, तो उस पर लाइट पास करेगा,
ऑन करके रखूंगा ना तो लाइट इतनी पास नहीं होती वो एक्चुअल में. तो हमेशा जब भी मॉडल फाइनल आउटपुट चेक करना तो हम गामा ऑफ करके ही करते हैं. काम करते टाइम जब रेफरेंस ट्रेस करो तो ऑन कर लेना. अब देता हूँ सपोर्टिंग एज पे. सबसे पहले यहाँ से दूर देना थोड़ा सा, उसके बाद ये डिलीट ताकि आगे कंटिन्यू ना हो वो एज. और वो बहुत ज्यादा दूर जा रही है, इन दोनों का गैप बराबर होना चाहिए ना, यहाँ का भी गैप और यहाँ का भी गैप. तो यहाँ पे वो थोड़ा दूर जा रही थी क्योंकि इसमें फर्क है इसके डिस्टेंस में और इसके डिस्टेंस में. ये ज्यादा चौड़ा है और ये कम है, विड्थ उनकी बराबर नहीं है तो वो दूर रखेगा एज. तो तुम्हें कोशिश रखना कि वो एज जितना भी पास हो उतना पास ला सको. उसके बाद ये डबल क्लिक करके डिलीट, ये वाली वर्टेक्स पकड़ी और ये पकड़ी कनेक्ट कंपोनेंट. उसके बाद ये डिलीट यहाँ से, ऐसी सेम यहाँ पे नीचे कर देना. ये ऐसा करो यहाँ से कनेक्ट करके यही घुमा दो एज. नीचे से एक और सपोर्टिंग एज आएगी क्योंकि अभी थ्री दबा के देख लेना. ये वन में तो ब्लॉक आउट ही था, थ्री दबा के देखना कैसा आ रहा है अभी. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्यादा स्मूथ है और यहाँ पे ज्यादा शार्प है. तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग एज अब भी बहुत ज्यादा पास है उसके, तो थोड़ा सा इस एज को पकड़ना और थोड़ा दूर कर देना उससे. उसके बाद क्या करना, अंदर के फेस पकड़ने सारे. सर एक बार रमन की रिक्वेस्ट आई होगी, सर एक बार ये करना उसको. हाँ कर दिया मैंने. ऐड भगवानी एक्सेप्ट भी कर लिया. हाँ, हो गया. उसके बाद कंट्रोल से मिडिल माउस से ड्रैग करना है तो ये ना अंदर आ जाएंगे एजेस. देख रहे हो अपने आप सपोर्टिंग एज लग जाएगी अंदर की तरफ, यहाँ पे लग गई. उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है तुम्हें बाहर. उसके बाद कॉर्नर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि जब थ्री दबाऊंगा इधर से भी खींचेगा मैच. तो मेरे को क्या चाहिए, एज सीधी जाए ताकि यहाँ पे भी एक सपोर्टिंग एज बन जाए. तो यहाँ पे कनेक्ट करूंगा मैं. उसके बाद ये वर्टेक्स कनेक्ट डिलीट ऐसे ही, यहाँ पे ये सीधा कनेक्ट होगा. उसके बाद ये वर्टेक्स पकड़ूंगा मैं, वी दबा के y एक्सिस में मैं एक्टिवेट कर लूंगा ताकि इधर ही मूव हो. v दबा के मिडिल माउस से मेरे को इस वर्टेक्स पे कनेक्ट क्लिक करना है बस. जैसे ही क्लिक करूंगा उसके सामने आ जाएगी, स्नैप हो जाएगी. उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एज ऐसे. फिर ये एज पकड़ना, स्केल करके आगे ले आना इसके सामने, स्नैप कर देना. कनेक्ट कंपोनेंट ये डिलीट ऐसे इधर से कनेक्ट सीधा और ये डिलीट. उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग एज यहाँ से पकड़ना, डिलीट कर देना डबल क्लिक करके पूरा लूप डिलीट. और उसके बाद ये वाली कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से, इससे मल्टी कट से कनेक्ट कर देना. डिलीट यहाँ पे भी एज सीधी जाएगी
ये सारी तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ये वाली भी डिलीट, ताकि वो क्वाड रहे और सीधे सीधे जाए। इसके सामने स्नैप कर दो, पहले ऊपर वाली पकड़ो, स्केल करना सीधा, उसके बाद स्नैप, फिर ये दोनों एजेस पकड़ना, स्केल करनी है, सीधी हो जाएंगी। उसके बाद वी प्रेस करके इसके सामने मिडिल माउस से क्लिक कर देना, स्नैप हो जाएगी। सेम यहाँ पर, फिर यहाँ पे सपोर्टिंग एज, उसके बाद ये वाली सीधी जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, कार्तिक और आदित्य शर्मा को ऐड कर लो। तीन जनों के लिए एक्सेप्ट तो कर दिया मैंने। उसके बाद ये है करना डिलीट, डबल क्लिक करके सुबह आज पकड़ी, वी प्रेस करके मिडिल माउस स्नैप, और सेम यहाँ पे एक एज लगाना, उसके साथ ये जाएगी सीधे। ये वर्टेक्स स्नैप, उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग एज, ये ज्यादा क्लोज आ रही है, जो भी क्लोज आती है ना बाद में उनको ना डिलीट कर देना आगे से, और उसके बाद मल्टी कट से लगाना। ये पकड़ूंगा डिलीट, और उसके बाद इसे डुप्लीकेट कर लो एक बार, देख लो अभी तक वो आउटपुट कैसा आ रहा तुम्हारा। और डुप्लीकेट करने से पहले इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देना, टाइप बाय हिस्ट्री, एडिट, डिलीट हिस्ट्री। अब मैं पाइवट, जैसे इसमें सेंटर में इसका, तो तुम डी प्रेस करना, पाइवट एक्टिवेट हो गया, वी वर्टेक्स पे मिडिल माउस से ड्रैग कर देना वापस, ठीक। उसके बाद कंट्रोल डी करता हूँ मैं, डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद मैं देख लेता हूँ ये एक्स में, इधर देख लो ये गिज़्मो आ रहा है, यहाँ पे वाई अप है, जेड, जेड इधर है, एक्स इधर है, तो एक्स में मेरे को स्केल करना है, तो यहाँ पे माइनस वन स्केल एक्स में आ जाएगा। ये दोनों पकड़ के शिफ्ट राइट क्लिक, ये रहा कंबाइन, शिफ्ट राइट के लिए कंबाइन, ये दोनों एक हो गए, और कंबाइन यहाँ पे भी आता है बटन, ये दोनों पकड़ो जल्दी करने के डालने, तो यहाँ पे ये रहा कंबाइन, ये रहा सेपरेट, ये पहले से बने होते हैं, एक्सट्रैक्ट है, सेपरेट है, मिरर है, सारे ऑप्शन यहीं पे है, कंबाइन कर दिया। उसके बाद डिलीट टाइप बाय हिस्ट्री, फिर से उसके बाद वर्टेक्स पे जाना, सारी वर्टेक्स पकड़ लेना,
क्योंकि अभी वर्टेक्स मर्ज नहीं है, वर्टेक्स तो अलग अलग है ना, बस कंबाइन हुए हैं वो, तो वर्टेक्स भी मर्ज करनी पड़ेंगी अभी इसकी, सारी वर्टेक्स पकड़ना, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स, और ये मर्ज वर्टेक्स, इस पे जाके डाल देना वैल्यू 0.001। अभी जो चेंजेस होंगे अब इसके हिसाब से देख के करने पड़ेंगे हमें। अब ये बीच की एज पकड़ो पूरी और यहाँ पे एक बेवल मार दो इसमें, शिफ्ट राइट क्लिक बेवल, सेगमेंट डाल दो, फ्रिक्शन वैल्यू ज्यादा कर दो, ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज लग जाएगी, वो इतना पतला नहीं आएगा, ये जो नाइफ है अपने आप एक सपोर्टिंग एज लग जाएगी दोनों तरफ। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं आधे पे काम करूंगा, ये डबल क्लिक करके डिलीट कर दो पूरा लिस्ट। और ये पूरा फेस आधा उड़ा दो, सिर्फ आधे पे काम करेंगे हम, तो इधर गए, फोर दबाना, उसके बाद ये सारी एजेस पकड़ना वर्टेक्स सॉरी, और उसको नीचे कर देना, उसके बाद ये शेप मैच कर, ये बेवल की वजह से हो गया, दोनों को पकड़ो, मर्ज मर्ज टू सेंटर, या ऐसा करो इसे आगे ले आओ, टॉप बस मैंने मूव करा उन चीजों को देख के, ये जब बेवल करा था ना एक्चुअल में, ये दोनों वर्टेक्स पीछे हो गई थी, तो इन दोनों वर्टेक्स को मैंने पकड़ा और फिर आगे ले आया पहले तो जहां पे वो थे, उसके बाद ये दोनों वर्टेक्स अंदर थी, इन दोनों को पकड़ा मैंने, बाहर कर दिया वापिस जहां थी शेप, टॉप में जाके, और ये बीच वाली अंदर हो जाएगी।
ये इतनी सेट करी है तो ये वाली एज ना थोड़ी सी अंदर हो गई है, तो एक बार ये डिलीट करके फिर से लगा लेनी है। डिलीट कर देना, यहाँ पे देख लो मैच खराब हो रहा है, यहाँ पे इसके एंगल मुड़ रहा है, तो ये हटाना एक बार और अंदर की भी एक बार। अंदर की तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना एक बार ये आएगी, फिर ये वापस जैसे बताया था डिलीट, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट। ये वाली डिलीट कर देना ऐसे यहाँ पे, पीछे वाली डिलीट। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्टिंग आ जाएगी मल्टी कट, यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे लगा देना W, बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी शार्प हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वर्टेक्स देख लेते हैं हम कैसे खराब हो रही है। साइड व्यू में जाना, जूम करना, पहले तो ये दोनों आगे कर देना, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्टिंग आ जाएगी जो इससे कनेक्ट होगी, उसके बाद ये हट जाएंगी, ये भी हट जाएगी, ये सारी वर्टेक्स और आगे की भी यहाँ तक। उसके बाद इन सब का पाइवट मेरे को यहाँ पे रखना है, डी प्रेस करना, इसे मूव करके यहाँ पे ले आना, जूम, और उसके बाद बीच में क्लिक करना एक बार ताकि बीच से मूव हो, जी से नहीं, जेड एक्सिस से नहीं। अभी ये येलो तो सिर्फ इधर ही मूव करेगा मिडल माउस से, तो बीच में क्लिक कर देना तो पूरा पूरा गिज़्मो एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद वी प्रेस करके मिडल माउस से इस पे क्लिक कर देना बस, वर्टेक्स पे। यहाँ पे आ गया पाइवट, वापस डी दबाना बाहर, उसके बाद ये पकड़ना ऊपर से वी और स्नैप ताकि इसके सामने आ जाए, और फिर से यहाँ पे पाइवट स्नैप, उसके बाद ये दोनों वर्टेक्स पकड़ना, यहाँ पे कभी कभी जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ या कहीं पे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, पाइवट ना देख रहे हो मेरा यहीं रह गया, अब ये आ ही नहीं रहा, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ ये पाइवट मेरा यहीं फंस जाता है कभी कभी। तो उसके लिए करना यहाँ पे डबल क्लिक करना, ये एक्टिवेट मोड पे डबल क्लिक करोगे यहाँ इसकी सेटिंग खुल जाएंगी टूल की, यहाँ पे आता है रीसेट टूल, रीसेट करना एक बार फिर से सेलेक्ट करना, ठीक हो जाएगा वो। इसको पकड़ो, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज मर्ज टू सेंटर, ठीक है, एक बार ये डिलीट, फिर से यहाँ पे कनेक्ट ऐसी, ये वाली हो गया सब। उसके बाद एक बार डुप्लीकेट करके देख लो कैसा लग रहा है, यहाँ पे रखा पाइवट, और डुप्लीकेट करने से पहले हिस्ट्री डिलीट कर देना, एडिट डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री, कंट्रोल डी, फिर से -1 x में -1 दोनों पकड़ना, कंबाइन, ये कंबाइन यहाँ पे, और यही कंबाइन मैश में भी आता है यहाँ ये रहा। उसके बाद ये वर्टेक्स पकड़ना सारी, अब जूम करके वो जो बताया था ना मैंने 0.1 इसलिए करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज करा, अब देख रहे हैं सपोर्टिंग एज थी वो भी हट गई क्योंकि वो बहुत पास थी, जितना इसका मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा ना वो उतना उतना उन वर्टेक्स को मर्ज करता जाएगा, जितना जितना बढ़ाता जाऊंगा मैं, देख रहे हो फिनिश करता जाएगा।
पर जीरो भी नहीं रखनी, तो हमें वैल्यू इतनी रखनी है कि जो बिल्कुल आस बिल्कुल पास हो बीच की वर्टेक्स, वो मर्ज हो सिर्फ। तो सम में कम वैल्यू होती है 0.001, तो वो डाल देना, ये मर्ज हो जाएगा, पर वो कनेक्ट नहीं होंगी फालतू कोई भी एज। उसके बाद साइड व्यू में जाना, 3 दबा के देख लेना, 5। अब जैसे कि यहाँ से सीधा जा रहा है, पर ये थोड़ा सा कर्व में होना चाहिए, तो ये चीजें ठीक कर लो। 1 दबाओ, 1 यहाँ पे देख लो, हल्की सी अजीब सी लाइट आ रही होगी, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे क्लीन हो जाएगा मैच। शैडो सीधा नीचे की तरफ कास्ट करेगी, जिधर है एंगल मुड़ रहा है मेरा, शायद स्टीम पे क्लियर ना दिख रहा हो, कभी ना अपने मॉडल में करके देखना, कहीं पे सपोर्टिंग एज गलत होगी या फिर डबल डबल वर्टेक्स होंगी, तो वहां पे ना अजीब सी लाइट पास करेगा जब sRGB ऑफ कर दोगे तो। एक बार हटा के फिर से डाल दो, उसके बाद यहाँ पे एक बीच में एक डिटेल है, जैसे कि इसमें इतना क्लियर नहीं है तो रेफरेंस है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है फॉल आउट नाइफ मेजिस। इसमें इतनी क्लियर नहीं है, आर्ट स्टेशन पे देखता हूँ बना रही है, जैसे इसमें भी थोड़ी बहुत ही है वो शेप इसमें दिख रही है। दो बट गया था, ये भी बकवास है, दूसरा नाइफ है, जब भी लिखोगे ना फॉल आउट नाइफ तो यही वाला आएगा गूगल पे ना, यही नाइफ है वो जो गेम में यूज हुआ था ना, फॉल आउट गेम है उसमें नाइफ था, उसके और भी है फॉल आउट की चीजें। जैसे ये ना फॉल आउट के सारे जितना भी काम है ये सारे उसी के सेट है फॉल आउट के, ये कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह जाते हैं उसमें, जो अप्रूव होते हैं वो बन जाते हैं, जो नहीं होते नहीं रहते। जैसे ये गन हो गई, तो इसके बीच में एक डिटेल है वो बनाते हैं, ये फेस पकड़ना और आधे भी काम करते हैं, तो डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, शिफ्ट डबल क्लिक डिलीट, मैंने सिर्फ ये वाली एज करी है इधर की डिलीट, ताकि डबल क्लिक करके वो पूरा लूप ले ले और डिलीट कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे जाना है तुम्हें, ये वाली फेस भी डिलीट करना और शिफ्ट डबल क्लिक करके पूरा लूप ले लेगा वो,
उसके बाद डबल क्लिक करना डिलीट डिलीट, तो आधा रह जाएगा आपका नाइफ। ठीक है, ये थोड़े सेट कर लो और सही होंगे। ये थोड़ा सा बाहर को जाएगा एंगल, फिर ये दोनों सेम। इनका डिस्टेंस देख लेना सेम जाए थोड़ा बहुत, ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, तुम कितना ठीक ले जा रहे हो चीजों को रख रहे हो। ये टॉप से देख लेना फिर बराबर आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि ये वाला यहाँ जाना चाहिए और पास डिलीट, ऐसे ये भी थोड़ा सा और पास जाएगा, तो मैं पहले यहाँ पे एज लगा दी डबल क्लिक करके डिलीट। उसके बाद ये वाली शेप बनाते हैं, फेस शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड, उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट मिडिल माउस से क्लिक करके अंदर को ऑफसेट कर देना इसे। उसके बाद ये फेस पकड़ना, थोड़ा सा अंदर को स्केल, यहाँ साइड व्यू में आना, फोर दबाना वायर फ्रेम से, फिर स्केल जितना है वो उतना रख देना वहां पे। उसके बाद एज रिंग एंड स्प्लिट कंट्रोल के साथ राइट क्लिक रिंग एंड स्प्लिट, उसके बाद ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स बाहर को, फिर ये वर्टेक्स पकड़ना अंदर की तरफ स्केल कर देना। फिर एक और बार एक्सट्रूड ऑफसेट अंदर, हार्ड एज ऐसे ही वाली पकड़ना हार्ड एज कर देना। अभी इसमें सपोर्टिंग एज लगानी है बस, और ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये इन्हें कहते हैं हम स्टार, जैसे कि एक दो तीन चार पांच कनेक्ट हो रही हैं, स्टार है एक्चुअल में अंदर की तरफ बने तो भी ठीक है, पर कुछ करना स्टार जितने कम बने तुम्हारी मॉडलिंग में वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये स्टार खत्म करने के लिए करता हूँ, यहाँ पे एक एज लगाई, ये इससे कनेक्ट कर दी और ये इससे मल्टी कट से, और ये वाली एज उड़ा दी, और यहाँ से ये दोनों फिर डिलीट हो जाएंगे, सीधे सीधे चले जाएंगे ना वो। डबल क्लिक स्केल और इसके साथ स्नैप कर देना, सेम डबल क्लिक इन दोनों को डिसलेक्ट करके सीधा स्केल स्नैप। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग एज ये आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी, उसके बाद ये एजेस भी सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें। डिलीट 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 मल्टी कट, ये यहाँ पे कनेक्ट, ये यहाँ पे कनेक्ट, और ये वाली यहाँ पे कनेक्ट। उसके बाद ये वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर देना, ये क्वाड हो जाएगा ना एक दो तीन चार ऐसे, फिर ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देना बस। सॉल्व ऐसे यहाँ पे करने होंगे, ऊपर लगाना है कैच मल्टी कट से, ये कनेक्ट राइट क्लिक ड्रैग करके ये दोनों कनेक्ट, राइट क्लिक डब्ल्यू दबाना टूल से बाहर, डबल क्लिक करने एज पकड़ना शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एज, फिर यहाँ पे एक एज लगाना, एक यहाँ पे लगाना, इन दोनों को पकड़ना यहाँ यहाँ तक बस डिलीट, फिर ये डबल क्लिक दोनों एज लूप पकड़ लेना और डिलीट कर देना, और हमेशा डिलीट कर दो शिफ्ट और राइट क्लिक करके डिलीट करना, नहीं तो वर्टेक्स रह जाएंगी।
जैसे कि मैं बैकस्पेस मारूं तो वर्टेक्स रह गई यहां पे, देख रहे हो ये वर्टेक्स रह गई, मैं पर एज हट गई तो ये मैच खराब करेंगे, ये बाद में यहां पे कुछ लगेगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना एज के साथ हटे वो वर्टेक्स। तो शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट डबल क्लिक वी वर्टेक्स पे स्नैप इसके सामने, उसके बाद ये दोनों वर्टेक्स कनेक्ट कंपोनेंट ये वाले डिलीट है, ऐसे डबल क्लिक करके ये पकड़ लिया मैंने, फिर ये स्नैप, उसके बाद वर्टेक्स वर्टेक्स स्नैप, उसके बाद ये यहाँ तक पकड़ लेना सिर्फ, स्केल इसके सामने ले आना है, सीधी हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग एज लगाएंगे, यहाँ पे सेम यहाँ यहाँ, हाँ। तो यहाँ पे मैंने बेवल लगा दिया है जिस पे और सपोर्टिंग एज दे दी है, उसके बाद एक यहाँ पे रिंग स्पीड मार देना, अब इसका इसकी बहुत सारी हिस्ट्री हुई, तो एक बार हिस्ट्री क्लीन कर लो, एडिट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट एस कर लो, सेव एस कर लो भाई, हमेशा ना फाइल के बैकअप बनाते चलो, जैसे कि कभी कभी यही फाइल क्रैश हो गई फिर खुली नहीं रही, तो अंडरस्कोर जैसे 01 था 02 कर दो, उसके बाद पाइवट यहाँ पे रखो, डी प्रेस करो, पाइवट एक्टिवेट हो गया, V, middle mouse से vertex पे snap, D bar, ठीक है, और फिर से हम करेंगे control D, और यहाँ पे X में है, तो minus one, scale में, दोनों पकड़े, combine, ठीक है, उसके बाद vertex, सारी vertex पकड़ ली, zoom करके देख लो, ये सब में पास है, तो merge, merge vertex, collapse हुई है, यहाँ पे 0.001 3 दबा के देख लेना और एक बार चेक कर लेना, ये वाली एज पकड़ के डिलीट करके डिलीट हो रही है तो मर्ज हो गई है, हो रही है ठीक है। तो आगे का ब्लेड बन गया आपका, बंद करो और यहाँ पर मटेरियल एट्रीब्यूट में जाना, राइट क्लिक फिर से करो, यहाँ पे जो ब्लिन लगाया था उसमें स्पेकुलर कलर होता है, इसमें डिफॉल्ट होता है वाइट, इसे थोड़ा सा ब्लू टोन में ले आना, स्पेकुलर ये जो लाइट पड़ रही है उससे कहते हैं स्पेकुलर, ये देख लो लाइट थोड़ी सी ब्लू हो जाएगी, थोड़ा सा और क्लीन दिखेगा जहाँ पे ये लाइट पास होगी, ये इतना हार्ड नहीं रहेगा,
थोड़ा सा पकड़ के ये दोनों पकड़ो, डिलीट ये पकड़ के बराबर कर दो सेगमेंट, थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ा दो तो वो थोड़ा सा स्मूथ होते हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं रहेगा वहाँ। हाँ एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे पहले सपोर्टिंग एज थी तो मैं थ्री दबा के देख रहा था, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था, यहाँ पे एक हार्ड एज बन गई थी हल्की सी, ये लाइट जो है एक्चुअल में वो बिल्कुल प्लेन होके जाएगा। तो मैं ये पहले वन में जाता हूँ, वन दबा के डबल क्लिक, इन दोनों को सपोर्टिंग एज जो है वो पकड़ के हटा दूंगा मैं, फिर उसके बाद डबल क्लिक पूरा लूप पकड़ लिए, शिफ्ट राइट क्लिक बेवल, बेवल हो गया, उसके बाद सेगमेंट, एक सेगमेंट दे देना, उसकी फ्रिक्शन वैल्यू पे क्लिक करना, फिर फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देना ऑब्जेक्ट मोड, और उसके बाद ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स थोड़ी पास आ गई है तो उन्हें नीचे कर देना, और थ्री वो स्मूथ हो गया, वो जो हार्ड लाइन बननी थी वो नहीं आ रही, एक यहाँ पे लगा देना इसके पीछे। ठीक है, तो उसके बाद हम ये पकड़ो दोनों सीधे लिया उसके बाद, अब ये देख लेते पीछे का पार्ट बनाना है, तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले में जाता हूँ मैं, हेड सब डिस्प्ले, अब पॉली काउंट ऑन कर दिया यहाँ पे, और देख लेता हूँ कितने का, ये 28 का है पीछे का मेरा, तो मेरे को 32 का, अब मेरे को ये पीछे का पार्ट बनाना है, वो पार्ट इसी में से निकल रहा है एक्चुअल में, तो मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद सिलेंडर पे यहाँ पे पॉली सिलेंडर जो भी बनेगा वहाँ वैल्यू आ जाएगी सब डिविजन में, बारह रहे तो 16 कर देता हूँ, 16 करने के बाद इसे रोटेट करता हूँ जे से, एंगल स्नैप पे रोटेट, उसके बाद थोड़ा सा स्केल ऊपर, यहाँ लिया स्केल आउट, थोड़ा सा और इसके वर्ल्ड बना देता हूँ, स्केल स्केल करने के बाद आधा यहाँ से डिलीट कर देना है आपको, आधा पकड़ना डिलीट, वर्टेक्स वर्टेक्स पकड़े कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ से टू फेस टू फेस, ये फेस डिलीट, डिलीट हो गया, पहले ऐसा करो वर्टेक्स पकड़ो दोनों कंट्रोल टू फेस डिलीट, फिर ये दोनों फेस डिलीट, और ये दोनों एजेस पकड़ना फिर एक्सट्रूड एक्सट्रूड कर लेना आधा, फिर ये यही चीज मेरे को डुप्लीकेट करनी है, तो मैं पाइवट रखता हूँ यहाँ पे कंट्रोल डी, और अब देखता हूँ मैं ये वाई है देखो ऊपर की तरफ वाई अप रहता है हमेशा, तो वाई में मैं -1 कर दूंगा, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू आ रही है -1, पहले तो माइनस करता था मैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा वैल्यू हटाने के लिए, बाय डिफॉल्ट करनी है तो ट्रांस मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर देना जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी वापस, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो गए सारे 0001111, यहाँ पे फिर -1 नीचे आ गया, इन दोनों को पकड़ो कंबाइन वर्टेक्स पकड़ो बीच की मर्ज मर्ज वर्टेक्स, ये दोनों पकड़ो डिलीट
अब नीचे से जहां तक है ये करके लगा दो, ठीक है। उसके बाद एज टू एज टू एज पूरी रिंग पकड़ लेगा ये टू रिंग। यहाँ पर रिंग पे गए कंट्रोल के साथ राइट क्लिक एडिट टू रिंग तो पूरी रिंग पकड़ लेगा ये। डबल क्लिक करते हैं जैसे लूप पकड़ता है ना, तो यहाँ पे एक एज पकड़ी मैंने टू रिंग कर दूंगा तो पूरी सारी रिंग पकड़ लेगा ये। उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट कर देना, उसके बाद ये एजिस पकड़ी मैंने अंदर की एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड हमेशा ब्लू वाले से करना, ठीक है। ये ब्रिज शिफ्ट राइट क्लिक ब्रिज डबल क्लिक करके ये दोनों एज छोड़ देना, और ये नीचे की एक एज छोड़ना, ये ब्रिज डबल क्लिक फिल होल। उसके बाद रिंग एंड स्प्लिट, उसके बाद ये वाली वर्टेक्स शिफ्ट राइट क्लिक कनेक्ट कंपोनेंट, ये दोनों एज फिर हटा देना डिलीट। ये क्वाड हो गए तुम्हारे, रिंग एंड स्प्लिट मारना एक, इधर भी मार देना, ऊपर ही काम करेंगे नीचे का डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब और इधर भी आधे पे काम करेंगे, रिंग एंड स्प्लिट डिलीट। और ये वाली एज को करना थोड़ा सा, ये बाद में कर लो, ये दोनों मेरे को करने कंबाइन। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये कंबाइन। अब इसका पाइवट जो है इसके सामने रख देना, यहाँ पे डी प्रेस करके यहाँ पे स्नैप, और ये फिर यहाँ पे इस पे स्नैप, ताकि इसके सामने आ जाए। कंबाइन हो गए। अब मेरे को इससे कनेक्ट करनी है इसकी वर्टेक्स जितनी भी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये पकड़ा डबल क्लिक एक्सट्रूड, बाहर की तरफ है कैच एक्सट्रूड कर लिया है। तो अब मेरे को इससे कनेक्ट करने हैं सारे, तो पहले तो ये वर्टेक्स से स्नैप और इधर ऊपर से स्नैप, ऐसे ही सेम स्नैप, और जिस भी एक्सिस में करना है ना, अब मेरे को एक्स में करना है, एक्स पे क्लिक करा मैंने इधर ये पीला हो गया, V के साथ मिडिल माउस पे इस पे क्लिक करूंगा मैं तो इधर स्नैप हो जाएगा ये। ऐसे ही हर जगह पे मेरे को X में स्नैप करिए, Y में स्नैप, X फिर से Y, और इस पे पकड़ो फेस पे मटेरियल डाल दो सेम जो उस पे डाला था नाइफ का, वो शाइन करेगा। तो अब एजेस कनेक्ट करनी है, तो ये है हमारी 28, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कितनी हो जाती है। ब्रिज डबल क्लिक दो छोड़ दी, शिफ्ट राइट क्लिक ब्रिज डबल क्लिक फिल होल, रिंग एंड स्प्लिट। एक सेकंड बता देता हूँ कहाँ से आता है, एक और बार बता देता हूँ ब्रिज कहाँ से आता है। एज पकड़ी शिफ्ट राइट क्लिक और ये ब्रिज, जब तक शिफ्ट और राइट क्लिक छोड़ना हुआ, जिस पे जाके शिफ्ट राइट क्लिक छोड़ दोगे वही ऑप्शन तुम्हारा एक्टिवेट होगा। तो ब्रिज पे जाके राइट क्लिक छोड़ा, ब्रिज हो गया, डबल क्लिक दोनों छोड़े ब्रिज। उसके बाद रिंग एंड स्प्लिट एज पकड़ी कंट्रोल राइट क्लिक रिंग एंड स्प्लिट, ये दोनों फेस कनेक्ट कंपोनेंट,
उसके बाद ये दोनों एज डिलीट, डबल क्लिक, यहाँ पे आठ है, हाँ तो ये आठ है, ये अट्ठाईस है, तो हमें ये एजेस बढ़ानी पड़ेंगी इसमें कनेक्ट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिलीट, इधर भी आधे पे ही काम करेंगे अब हम, डबल क्लिक डिलीट शिफ्ट डबल क्लिक डिलीट डिलीट, ऐसे यहाँ पे सारा डिलीट करना है। ये भी डिलीट कर देना, डबल क्लिक डिलीट डिलीट। अब सिर्फ हमें आधे पार्ट पे काम करना है, तो पहले इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो, डिलीट टैब बाय हिस्ट्री, फिर यहाँ पे जाके फेस ट्रांसफॉर्मेशन, अब देख लेते हैं कितनी एजेस कनेक्ट करनी है, डबल क्लिक, तो यहाँ पे ये आ गई 14, और यहाँ पे 4 है, तो हमें 10 एजेस और बढ़ानी है। ठीक है, तो पहले तो ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे भी एक आ जाएगी डिलीट, वार्ड हो गया, सॉल्व हो गया। तो एक है यहाँ पे डिलीट डिलीट, ये इससे कनेक्ट, ये भी डिलीट हो गया, कॉर्ड ब्रिज दोनों वर्टेक्स पकड़ना, स्नैप, फिर ये वाली ब्रिज कर ले रहे हैं, उससे पहले एक यहाँ पे ये डबल क्लिक करके डिलीट, हाँ, उसके बाद यहाँ पे ब्रिज, फिर ये स्नैप इसके सामने, स्केल सामने स्नैप कर देना, फिर से एक और एच स्केल सामने स्नैप कर दो, ब्रिज फिल होल मल्टी कट, यहाँ गया कनेक्ट हो गया, फेस पकड़ो, शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक नहीं सिर्फ राइट क्लिक, और यहाँ पे नाइफ वाला मटेरियल, इतना तो हो गया कनेक्ट। आगे भी करते हैं, यहाँ पे एज डबल क्लिक डबल सेगमेंट कम तीन, अभी स्नैप 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 दोनों पकड़ो, ब्रिज सारे, उसके बाद एज स्नैप मल्टी कट डबल क्लिक स्नैप, फिर एज दोनों स्नैप ब्रिज, फिर से मल्टी कट डबल क्लिक स्केल कर देना सीधा करने को, फिर स्नैप, क्योंकि वो ऊपर वाली एज ना थोड़ी सी कर्व है, ये थोड़ी जब भी हम मल्टी कट लगाएंगे ना ये टेढ़ी आएगी, तो इन पकड़ के
सीधा कर देना, ऊपर लगा दो अब सारी चीजें आएंगी। शिफ्ट राइट की ब्रिज डिलीट मल्टीकट कंट्रोल स्केल स्नैप और फिर से दोनों एजेस पकड़ के शिफ्ट राइट क्लिक ब्रिज। अब सेम यहाँ पे करनी है चीजें, तो यहाँ पे पहले ये वाली एज डिलीट डिलीट मल्टी कट कनेक्ट अगर पीछे कर देना ब्रिज। ये एज पकड़ के स्नैप सेम मल्टी कट लेना है यहाँ पर इसके सामने स्नैप फिर ये दोनों एजेस ब्रिज फिर डबल क्लिक करना फिल होल ये दोनों मल्टी कट ड्रैग दोनों फेस पर करना मटेरियल डाल देना और ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिल होल और इस पे फिर से मटेरियल डाल देना नाइफ फिल होल अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ये डुप्लीकेट कर लेंगे सारे फेस ये जितने सिर्फ पकड़े हैं शिफ्ट राइट क्लिक डुप्लीकेट फेस दोनों पकड़ो इसे डिसलेक्ट यहाँ पे आ गए उसके बाद डिलीट टैब बेस्ट्री फेस ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर पाइवट ये तीनों वही हैं सेंटर पाइवट है ये ऑप्शन ये डिलीट टैब बेस्ट्री है फेस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आते हैं फेस सेंटर पाइवट और इसमें एडिट में डिलीट टैब बेस्ट्री इनके शॉर्टकट लगे हुए हैं यहाँ पे माया में के बाद यहाँ पे पाइवट रखना और ये माइनस जी में होगा माइनस वन जेड में तो माइनस वन दोनों पकड़ना कंबाइन यहाँ पे मैं बीच की वर्टेक्स पकड़ लेता हूँ मर्ज करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स हो गई एक बार डिलीट करके देख लो हाँ रिंग एंड स्प्लिट बीच में आ जाएगी उसके बाद सेम ये वाली एज हटा देना हार्ड हो जाएगा तो पीछे वाला पार्ट तो हमारा सीधा बंद ही करना है तो
यहाँ से यहाँ तक ये पकड़ना, ब्रिज सीधा एक्सट्रूड कर देना, यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड, डब्ल्यू दबाना बाहर, स्केल करना सीधा और इससे स्नैप करा देना, बीच में आ जाएगा ये। उसके बाद एक एज यहाँ पे डालना, ब्रिज ये इससे ब्रिज हो जाएगी, डबल क्लिक फिल होल, फिर ये वाली एज हटा देना, डिलीट क्वाड हो जाएगा वो, ये क्वाड हो गया ना, ये तीन चार सेम यहाँ पे करना, ये दोनों एज ब्रिज, डबल क्लिक फिल होल, फिर ये वाली एज डिलीट क्वाड, ठीक है, ये दोनों फेस पकड़े, शिफ्ट राइट क्लिक और सेम मटेरियल जो नाइफ रखा था इसका नाम मैंने नाइफ डाल दिया इन पे भी, थ्री दबा के देख लो, देख रहे हो वो ना थोड़ा सा बाहर को भी एक एज आती है, अभी दिखाता हूँ मैं, एक चीज और होनी है इसमें भी, सिर्फ एक सेकंड होल्ड करना है, एक सेकंड सॉरी। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिज कर देंगे इसे, इसका पाइवट देख लो कहाँ है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे करो पहले डिलीट टैब बाय हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री है तो एडिट डिलीट टैब बाय हिस्ट्री, उसके बाद इसका पाइवट रख दो यहाँ पे, डी वी प्रेस करके स्नैप हो गया वर्टेक्स पे। उसके बाद हमें क्या करना है, डुप्लीकेट तो यहाँ पे कर दो कंट्रोल डी, उसके बाद क्या माइनस वन एक्स में हो गया, माइनस हो गया डुप्लीकेट कंबाइन, उसके बाद वर्टेक्स पकड़ लो सारी और पास में आके देख लो, जो भी सब में पास है जिस, मर्ज मर्ज वर्टेक्स खत्म हो रही है, यहाँ पे कर दो 0.001, डबल क्लिक करके देख लेना ये पूरा लूप ले रहा है, डिलीट कर दो, ठीक है वापस अंडू कर लेना, सिर्फ ये इसलिए डिलीट करके देखता हूँ मैं ताकि मेरे को पता पड़ जाए कि हाँ मर्ज हो गई है, अगर मर्ज नहीं होगी तो ये डिलीट नहीं होगा आज। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये वाली जो एज है ना, जैसे मैं बता रहा था थ्री दबाया ना अभी, तो ये ऐसे लग रही है, उसके बाद ये वाली एज थोड़ी सी पकड़ के आर स्केल बाहर होगी, बीच में से पकड़ना, स्केल होगी और फिर साइड में बाहर को स्केल होगी हल्की सी, इतनी नहीं थोड़ी सी, यहाँ पे थ्री दबा के देखना, वो थोड़ा सा राउंड रहता है ना जैसे बाहर, तो ऐसे राउंड हो जाएगा और एजेस थोड़ी शार्प होंगी, तो यहाँ पे सपोर्टिंग एज एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो
उसके बाद यहाँ देख लेना कहीं ट्रायंगल ना हो, कोई खराब ना हो चीज, ऑफ कर दे। यहाँ पे थोड़ा सा ये फैल रहा है ना, इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सपोर्टिंग एज नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे देखो ये बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज लगेगी। पहले ये वाली एज हटाना, पकड़ के पहले डिलीट, ये इसलिए हटाइए, मेरे को एक बार में बेबल मारना है इसमें, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ पूरा। अगर वो पहले से एज होती ना तो बेबल ठीक से नहीं लगता, तो मैंने वो हटा दी सपोर्टिंग एज पहली। और उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट बेवल, बेवल के बाद चैम्फर ऑफ कर देना, यहाँ पे सपोर्टिंग आ जाएगी अपने आप, और इसे बढ़ा देना। और ये इतनी बढ़ रही है ना, इससे ज्यादा नहीं जा पा रही, तो क्या करना, कभी कभी इससे ज्यादा जा नहीं पा रही। जैसे वन पूरा हो गया, वन के ऊपर है ही नहीं, मैं या तो जीरो या फिर वन। अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा और आगे चाहिए, इतना ही ना हो, तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाके यहाँ पे जाना, तुमने जहाँ पे कंट्रोल ए दबाना कीबोर्ड में, कंट्रोल ए, उसके बाद यहाँ पे आता है पॉली बेवल, ये अभी ऑन है ऑप्शन, इसलिए वो इतना हो रहा है। फ्रिक्शन वन इसे ऑफ कर दो, फिर ये यहाँ से कंट्रोल होगा फ्रिक्शन, कितना भी कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे कर देना जीरो वन, यहाँ पे देख लो कितना सही बैठ रहा है उसका, इसे जितना बढ़ा के देखोगे उतना ठीक आ जाएगा वो। अब मेरे को चाहिए 20 चाहिए, तो मैं 20 कर देता हूँ। पर ये ऑप्शन यहाँ आता है, कंट्रोल ए करोगे ना जब पॉली बेवल, जो जब लास्ट बेवल डाला होगा तो कंट्रोल ए करने पे ऐसा आएगा, यहाँ पे लिखा होगा पॉली बेवल, जो भी लास्ट बेवल डाला होगा ये ऑफसेट ऑफ, यहाँ पे टिक हटा देना और इसमें वैल्यू डाल लेना जो भी सही लगे। और यहाँ पे चाहो तो सेगमेंट भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं दो, और ये 15, तो ये थोड़ा सा खिंच रहा था वो ठीक हो जाएगा साइड से।